हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप यादव। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आप किसी भी मीटिंग या क्लास को एडवांस में कैसे शेड्यूल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल कैलेंडर। एक्चुअली दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने गूगल मीट के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था कि किसी भी मीटिंग को हम कैसे शेड्यूल करते हैं। तो हमारे एक व्यूवर का क्वेश्चन था कि मैं गूगल कैलेंडर यूज़ करके किसी मीटिंग को शेड्यूल करना चाहता हूँ, देन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि गूगल कैलेंडर यूज़ करके आप किसी भी मीटिंग को, वेबिनार को या क्लास को कैसे शेड्यूल कर सकते हैं। बेसिकली हमें गूगल कैलेंडर की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें कोई मीटिंग या क्लास एडवांस में शेड्यूल करनी हो। तो मैं पूरा प्रोसीजर आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे किसी मीटिंग, वेबिनार या क्लास को एडवांस में आप शेड्यूल कर सकते हैं यूजिंग हेल्प ऑफ गूगल कैलेंडर। तो नाउ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले पहले तो आपको गूगल में लॉगिन करना पड़ेगा। जिस भी मेल से आप अपनी क्लास को शेड्यूल करना चाहते हैं या मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं, पहले तो आप जीमेल में लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने जीमेल में लॉगिन किया हुआ है। एक मेरी आईडी यहाँ पर देख सकते हैं, प्रदीप दाड़ी यादव, इससे मैंने लॉगिन कर रखा है और इस तरह से मैंने जीमेल खोल रखा है। अब क्या करना है, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, देयर इज 9 डॉट। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस 9 डॉट। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस 9 डॉट, यू कैन फाइंड आउट देयर मेनी एप्स विच इज़ इन बिल्ट इन यू नो गूगल और इन जीमेल ऑलरेडी। तो यू कैन फाइंड हेयर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन जो ऑलरेडी जीमेल में इन बिल्ट है, उसमें से गूगल मीट भी हमारा यहाँ पर देख सकते हैं मीट है। इसी के थ्रू जनरली हम वेबिनार, मीटिंग और शेड्यूल करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैलेंडर को शेड्यूल करना है। कैलेंडर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने कैलेंडर पे क्लिक किया तो एक हमारा कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप टू स्टेप। अब देखिए क्या करना है, आपको एक मीटिंग शेड्यूल करनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है क्रिएट पे। हियर यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं, एक नो छोटा सा पॉपअप ओपन होगा। पॉपअप ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइटल देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी आप टाइप लिख सकते हैं, यूट्यूब वीडियो टेस्ट, समथिंग लाइक दिस यू नो। नाउ हियर यू हैव टू सेलेक्ट डेट, किस डेट को आप मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं। तो जो भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जून सेलेक्टेड है, आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट मंथ आ गया। सपोज मुझे कल की मीटिंग शेड्यूल करनी है या 25 की शेड्यूल करनी है, तो आपको 25 सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद टाइमिंग, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे 12:30 पे करना है और यहाँ पे हमने ले लिया 1:50, 45 की मीटिंग मुझे शेड्यूल करनी है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको देना होगा कि किस किस को आप मीटिंग में इनवाइट करना चाहते हैं। तो जितने भी गेस्ट हैं आप इसमें लिख सकते हैं एडवांस में, या तो जैसे ही आप मीटिंग शेड्यूल करेंगे उस समय भी एक ऑप्शन आता है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे ही देखिए हमने क्या किया, एक के इनवाइटी को नाम डाला या उसकी ईमेल आईडी डाली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ गया ऑर्गेनाइजर और ये हो गया पार्टिसिपेंट जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो जितने भी लोग हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं और बाद में उसको ऐड भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, अब दो तरीके हैं, या तो इसको हम सेव कर दें। ओके, जैसे ही सेव करेंगे ये इनविटेशन जो होगा, जिसका भी मेल आईडी आपने दिया है उसको बाय डिफॉल्ट उसके मेल पे चला जाएगा। ओके, तो एक तो ऐसे हैं, दूसरा तरीका ये है कि ये जो आपके पास दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा मीट डॉट गूगल, चाहे तो आप इसको कॉपी करके उस पर्टिकुलर यूज़र को आप भेज सकते हैं। मींस कॉपी किया और कंपोज किया अपनी मेल और इस मेल आईडी पे इस लिंक को भेज सकते हैं, तो वो बंदा इस लिंक पे क्लिक करके भी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आपने जितने गेस्ट आपको ऐड करने थे आपने ऐड कर दिए, उसके बाद आपको करना है सेव पे क्लिक। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख के लिखिए, एक मैसेज पॉपअप ओपन होगा जिसमें मेंशन होगा, वुड यू लाइक टू सेंड इनविटेशन ईमेल्स टू गूगल कैलेंडर गेस्ट। मीन जिन जिन गेस्ट को आपने ऐड किया था उनको आप मेल भेजना चाहेंगे, आप अगर करते हो सेंड, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर मेल उनको चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ,
जैसे मैंने कर दिया सेट, अब मैंने जिस गेस्ट को भेजा था, मैं आपको दिखाता हूँ उनकी मेल। ये हमारे गेस्ट हैं जिनको मैंने एक मेल भेजा था। अभी मेल नहीं आई है, इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से नहीं आई होगी, वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक मेल आ चुका है। ये वो पर्सन है जिसको मीटिंग ज्वाइन करना है या जिसको आपने इनवाइट किया है। तो ये ज्वाइन कैसे करेंगे, आप देखिए इसके साथ क्या हो गया है। एक यहाँ पर देख सकते हैं लिंक आया है, जैसे ही पर्सन इस लिंक पर क्लिक करेगा उस मीटिंग को वो ज्वाइन कर लेगा। तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, वो मीटिंग ज्वाइन कर लेगा। ये यहाँ पर देखिए टाइटल भी है, यहाँ पर डेट है, टाइम सब कुछ मेंशन है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर आपको होस्ट है, आपको मीटिंग लेनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आपने क्लिक किया, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब आपको इस पर क्लिक करना है ज्वाइंट विथ गूगल मीट। चलिए मैं इस पर कर लेता हूँ। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, गूगल मीट आपका ओपन हो गया। चलिए मैं फिलहाल कैमरा बंद कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ऐसा एक सिनेरियो आएगा, अब आप चाहें तो पीपल यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब मीटिंग चल रही हो, आपको किसी को ऐड करना है, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आप देख सकते हैं कि हम मीटिंग कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, करते हैं यूजिंग गूगल कैलेंडर। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर किया है, आप एवरी प्रोसीजर को फॉलोअप कीजिएगा। अगर देन कोई इशू आता है, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल टेल यू कि व्हाट इज़ पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।